हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राम मंदिर निर्माण के 2 तारीख के तय, 3.5 साल का लगेगा वक्त। करीब 2 घंटे तक अयोध्या में लगातार चली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्रा के साथ ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद थे, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सर्किट हाउस से बाहर निकलकर बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी लोगों ने निर्माण को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। जो अवशेष जमीन से प्राप्त हुए हैं, सभी ने उन्हें देखा और प्रसन्नता जाहिर की। हालांकि मिट्टी की ताकत कितनी है, इसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके बाद ये निर्माण होगा कि नींव कितनी रखी जाएगी। 60 किलोमीटर नीचे से मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे। इसके लिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी काम कर रही है। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि भूमि पूजन के लिए हमने 3 और 5 अगस्त की तारीख तय की है। अब इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की ओर से लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राम मंदिर के डिजाइन में भी बदलाव होगा। ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले मंदिर में 3 गुंबद बनने थे, लेकिन अब 5 गुंबद होंगे। मंदिर का मॉडल विश्व हिंदू परिषद का ही रहेगा, लेकिन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ जाएगी। कितने दिन में पूरा होगा निर्माण, मंदिर निर्माण कब तक पूरा होगा, इसके बारे में चंपत राय ने बताया कि जब सारे प्राथमिक काम पूरे हो जाएंगे, तब से निर्माण की गणना शुरू की जाएगी। समाज के 10 करोड़ परिवार से धन संग्रह किया जाएगा, इसके बाद ही मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगर लॉकडाउन की परिस्थितियां सामान्य रही तो अगले 3 वर्ष में मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम नरेंद्र मोदी को अयोध्या दौरे के लिए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी अति शीघ्र अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करें। ट्रस्ट अध्यक्ष ने ये भी लिखा था कि वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं, बल्कि मोदी स्वयं अयोध्या आए और राम मंदिर निर्माण की नींव रखें। महंत के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो रहा है, जल्दी तिथि का ऐलान होगा। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।